ये है सोफिया टेलीस्कोप। हाँ, हवा में 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा ये प्लेन ही नासा का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टेलीस्कोप है, जिसे नासा ने जर्मनी के साथ मिलकर बनाया है। अब इस प्लेन के पीछे टेल पर आप टेलीस्कोप के 2.5 मीटर बड़े प्राइमरी मिरर को देख सकते हैं। नासा का ये टेलीस्कोप एक कैसीग्रे नैस्मिथ टेलीस्कोप है, जो खास कर दूर अंतरिक्ष से आने वाले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को देखने के लिए बनाया गया है। वैसे इसका नाम देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। सोफिया के जरिए नासा ने कई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की है। फॉर एग्जांपल, बिग बैंग के बाद बनने वाले सबसे पहले मॉलिक्यूल की डिस्कवरी, मून के सन फेसिंग साइड में वाटर की डिस्कवरी, ट्रांजिट मेथड से प्लूटो का एटमॉस्फेयर कॉम्पोजिशन का पता लगाना, जिनके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, सोफिया टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप, इन दोनों में ही सेम 2.5 मीटर वाइड प्राइमरी मिरर लगा हुआ है। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि जहां हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में अर्थ को ऑर्बिट करते हुए अपने ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करता है, तो वहीं पर सोफिया एक बोइंग 747SP एरोप्लेन पर लगा हुआ है, जिसके कारण ये 38 से लेकर 45,000 फीट ऊंचाई पर उड़ते हुए अपना साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करता है। और साल 2010 से लेकर 2022 तक हर हफ्ते 10 घंटों की 3 से 4 ऑब्जर्वेशन करने के बाद जब जब ये वापस जमीन पर आता था, तब इसमें नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन और किसी स्पेशल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को कैप्चर करने के लिए कई सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते थे एंड कई चेंजेस किए जाते थे, ताकि ये और बेहतर तरीके से काम कर पाए। अब दोस्तों, एक फ्लाइंग टेलीस्कोप इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केवल एक टेलीस्कोप के जरिए हम पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जाकर ऑलमोस्ट हर तरफ से आने वाली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स की लाइट को कैप्चर कर सकते हैं। अब इसके इसी बेनिफिट के चलते सोफिया टेलीस्कोप के जरिए हम सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स एंड मून्स और इवन मिल्की वे गैलेक्सी के सेंट्रल ब्लैक होल पर भी कई इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज कर पाए हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। वैसे आपके मन में यहां पर यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर सोफिया टेलीस्कोप को एक प्लेन पर लगाया ही क्यों गया, हम इसे जमीन पर भी तो इंस्टॉल कर सकते थे कई दूसरे ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स की तरह। Why we need a flying telescope? तो दोस्तों, सोफिया अभी तक का सबसे बड़ा इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जिसे किसी एयरक्राफ्ट पर इंस्टॉल किया गया है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप तक 80% इंफ्रारेड लाइट्स पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर सरफेस पर आने से पहले 80% इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को तो पहले ही रोक देता है। ऐसे में हमें अगर इस स्पेक्ट्रम को कैप्चर करना है तो इसके दो ही ऑप्शंस बचते हैं। पहला, हम किसी स्पेस टेलीस्कोप को डेवलप करें जो कि अंतरिक्ष में रहकर इस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को कैप्चर कर सके। बट स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स में कई चैलेंजेस है, जैसे इनका हाईली कॉम्प्लेक्स डिजाइन एंड हार्ड मेंटेनेंस, क्योंकि ये लिटरली स्पेस में रहते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इनका हाई बजट। और ये सब हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप की डेवलपमेंट के दौरान पता चल गया था। इसीलिए कई वैज्ञानिकों का सुझाव ये था कि एक बेस्ट इंफ्रारेड टेलीस्कोप वो होगा जिसे हम टाइम टू टाइम मेंटेन करके रख सके और उसमें जरूरत के अनुसार इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया या फिर हटाया जा सके। और देखो, ये बस एक ही तरह के टेलीस्कोप से पॉसिबल है, एक उड़ता हुआ फ्लाइंग टेलीस्कोप। और इसी जरूरत को समझते हुए अराउंड 2000 में नासा ने जर्मन स्पेस एजेंसी DLR के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट के तौर पर सोफिया को डेवलप करना शुरू किया, जिसमें DLR ने इस पूरे टेलीस्कोप की असेंबली एंड डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जबकि नासा ने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस की। द सोफिया टेलीस्कोप, तो ये है हमारा वो मेन इंफ्रारेड टेलीस्कोप। देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना? डोंट वरी, अब हम इसे काफी इजीली समझ लेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में मेजरली दो टाइप के टेलीस्कोप प्रयोग होते हैं। नंबर 1, रिफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप एंड नंबर 2, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप दोस्तों, एक लॉन्ग ट्यूब की तरह दिखने वाले इन टेलीस्कोप में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेंसेज अलाइड एंड ट्रांसपेरेंट रहते हैं, जिसके कारण लाइट सीधे प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेंसेज से होते हुए आपकी आंखों तक पहुंचती है एंड आप अंतरिक्ष में दूर मौजूद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के नजारे देख पाते हैं। अब दुनिया का सबसे पहला टेलीस्कोप एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ही था एंड 16th सेंचुरी में गैलीलियो ने जुपिटर और उसके मून को पहली बार एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से ही ऑब्जर्व किया था। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विलियम बे विस्कॉन्सिन में मौजूद येक्स ऑब्जर्वेटरी का है, जिसका प्राइमरी लेंस 40 इंचेस यानी कि 1.02 मीटर का है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स,
दोस्तों रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि इनमें लेंसेज की जगह प्राइमरी और सेकेंडरी मिरर्स का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें मिरर्स के रिफ्लेक्शन के जरिए बनने वाली इमेज को देखा जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल इस वाले इमेज को देखिए, कैसे यहां पर लाइट प्राइमरी मिरर से टकराकर एक टिल्टेड सेकेंडरी मिरर पर टकराते हुए ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचती है। इस तरह के टेलीस्कोप डिजाइन को न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और सिंपली न्यूटोनियन टेलीस्कोप कहा जाता है। पर अगर इस वाले डिजाइन में हम सेकेंडरी मिरर को टिल्टेड ना रखकर सीधा रखें और उससे रिफ्लेक्ट होकर आने वाले लाइट को प्राइमरी मिरर के बीच में स्पेशली डिजाइंड एक स्मॉल कट के जरिए ऑब्जर्व करें तो अब हमें मिलता है कैसी ग्रेन टेलीस्कोप। और अगर हम इसमें एक तीसरा फ्रीली मूव करने वाला रिफ्लेक्टिंग मिरर को डाल देना तो अब हमें मिलता है कैसी ग्रेन डिजाइन नेस्मिथ टेलीस्कोप। और दोस्तों सोफिया टेलीस्कोप भी एक कैसी ग्रेन डिजाइन नेस्मिथ टेलीस्कोप है। इस तरह के टेलीस्कोप की स्पेशलिटी होती है कि ये एक कॉम्पैक्ट डिजाइन में ही ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाते हैं एंड स्पेशली बड़ी वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर कर पाते हैं। अब अगर अपने सोफिया टेलीस्कोप पर वापस आए तो एज आई सेड बिफोर कि इसका प्राइमरी मिरर 2.5 मीटर वाइड है जिससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट स्पेक्ट्रम सेकेंडरी मिरर तक जाता है जो इसे थर्ड मिरर पर भेजता है जहां से यह इंफ्रारेड लाइट ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन क्योंकि सोफिया एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है इसलिए उसके द्वारा कैप्चर किया गया लाइट हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन आइज इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकती, इसलिए पहले इसे प्रोसेस करके विजिबल स्पेक्ट्रम में बदला जाता है जिसके बाद में ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक स्टडीज के लिए प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि यह टेलीस्कोप एक जगह पर फिक्स नहीं है बल्कि एक प्लेन के जरिए लगातार पृथ्वी के आसमान में घूमता रह रहा है इसलिए यूनिवर्स के किसी एक ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्टिकल मिरर भी लगा हुआ है जो खास करके ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। नाउ आई होप कि आपको सोफिया टेलीस्कोप का ये वर्किंग डिजाइन आसानी से समझ में आ गया होगा। सो इस पूरे टेलीस्कोप को एयरक्राफ्ट के पीछे की ओर इंस्टॉल किया गया है और अगर ये एयरक्राफ्ट रनवे पर खड़ा है ना तो आप इसमें मौजूद सोफिया टेलीस्कोप को देख भी नहीं पाएंगे, बल्कि जब ये एयरक्राफ्ट हवा में होता है तब पायलट्स की कमांड पर इसका 13.5 फीट वाइड स्पेशली डिजाइन बैक डोर खोला जाता है। इसके बाद टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार हो जाता है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिमाइंडर है कि अगर आपको यहां तक ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक अभी के अभी कर देना एंड इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जहां मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव रील्स अपलोड करता रहता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो फटाफट जाके फॉलो कर लो। तो चलो अब टॉपिक में वापस आते हैं। सोफिया टेलीस्कोप एरोप्लेन। तो दोस्तों सोफिया टेलीस्कोप को जिस बोइंग 747SP एरोप्लेन में इंस्टॉल किया गया है उसकी भी स्टोरी कोई कम इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि बोइंग द्वारा इस स्पेसक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग साल 1970s में हुई जहां से इसे सबसे पहले 25 अप्रैल 1977 को पैन अमेरिकन एयरलाइन को बेचा गया। उस समय इसे एक पैसेंजर प्लेन की तरह प्रयोग किया जाता था। कुछ साल तक सर्विस के बाद 13 फरवरी 1986 में इस एयरक्राफ्ट को यूनाइटेड एयरलाइंस ने खरीद लिया जहां इसने कुछ और साल पैसेंजर प्लेन के तौर पर बिताए के बाद इसे 30 अप्रैल 1997 में यूनिवर्सिटी स्पेस रिसर्च एसोसिएशन यानी कि USRA ने अपने एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी के लिए परचेज कर लिया था। एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी का आइडिया नासा को भी काफी पसंद था क्योंकि उस समय तक हमारे पास ज्यादा ताकतवर ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप नहीं थे और उनकी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि अर्थ का एटमॉस्फेयर ज्यादातर इंफ्रारेड लाइट को सरफेस तक पहुंचने ही नहीं देता था एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि स्पेस टेलीस्कोप बनाना काफी ज्यादा महंगा और कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए नासा ने 27 अक्टूबर 1997 में USRA से इस एरोप्लेन को खरीद लिया और कई तरह के चेंजेस करते हुए जर्मन स्पेस एजेंसी DLR के साथ एक नए एयरपोर्ट ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया और इसी ऑब्जर्वेटरी को आज हम सोफिया के नाम से जानते हैं। वैसे इस स्टोरी से आप समझ गए होंगे कि सोफिया टेलीस्कोप पर 90s में ही काम शुरू हो गया था लेकिन टाइम टू टाइम वैज्ञानिकों को इस प्रोजेक्ट में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जिसमें कई पॉलिटिकल और फंडिंग रिलेटेड रीजंस थे, पर इन सब के बावजूद फाइनली साल 2007 तक एक एयरबोर्न टेलीस्कोप बनकर तैयार हो गया और इसने कई टेस्ट फ्लाइट लेना शुरू कर दिया। इसने फुल्ली ऑपरेशन फ्लाइट साल 2010 में शुरू किया जहां ऑफिशियली पहली बार 26 मई 2010 को इसने यूनिवर्स से आने वाली इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर की थी। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज मेड बाय द सोफिया टेलीस्कोप। तो दोस्तों अपने 12 साल के कार्यकाल के दौरान सोफिया टेलीस्कोप ने कई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की। फाइंडिंग वाटर ऑन द मून्स सन फेसिंग साइड। तो देखो नासा ने साल 2020 में ही अनाउंस किया कि सोफिया टेलीस्कोप ने मून के सन फेसिंग साइड पर क्लेवियस क्रेटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी की है जो कि काफी शॉकिंग था क्योंकि मून के पोल्स की तरह ये हिस्सा परमानेंट शैडो में नहीं रहता बल्कि यहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। इस सिचुएशन में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस रहना काफी शॉकिंग बात थी एंड ऑल्सो ये काफी
मिस्टीरियस भी है, जिसे अभी तक वैज्ञानिक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी सेंटर। देखो, यूजुअली हर गैलेक्सी के सेंटर में कई लाइट ईयर्स में फैले डस्ट क्लाउड रहते हैं, जिनके बीच में एक जायंट सुपर मैसिव ब्लैक होल लगातार उन क्लाउड्स, नियर बाय स्टार्स एंड प्लैनेट्स के मैटर को कंज्यूम करता रहता है। और इन सब के मटेरियल से घिरे होने के कारण इन ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन तक को विजिबल स्पेक्ट्रम में देख पाना पॉसिबल नहीं है। पर क्योंकि अपनी बड़ी वेवलेंथ के कारण इंफ्रारेड लाइट आसानी से इन इंटरस्टेलर क्लाउड को पार कर लेती है, इसलिए इंफ्रारेड एंड ऑल्सो रेडियो वेव्स के जरिए हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को देख सकते हैं। साल 2020 में यही हुआ जब नासा ने मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल की पिक्चर पब्लिश की, जहां केवल 2 करोड़ किलोमीटर के डायमीटर में फैला ये सुपरमैसिव ब्लैक होल 600 लाइट ईयर्स में फैले डस्ट क्लाउड्स को लगातार अपने चारों ओर तेजी से घुमा रहा था एंड उसमें मौजूद इंटरस्टेलर डस्ट को तेजी से कंज्यूम कर रहा था। गैलेक्सीज मैग्नेटिक फील्ड की टू स्टार फॉर्मेशन। अब दोस्तों, सोफिया इस दुनिया का पहला टेलीस्कोप था जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी मेजर कर सकता था। और किसी ऑब्जेक्ट के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड ओवरऑल एस्ट्रोनॉमी में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। नाउ फॉर एग्जांपल, किसी गैलेक्सी का मैग्नेटिक फील्ड मिलकर गैलेक्सी के अंदर फॉर्म होने वाली स्टार फॉर्मेशंस को कंट्रोल करता है। इसके बारे में हमें सोफिया टेलीस्कोप के जरिए ही पता चला था क्योंकि ऑब्जर्वेशन के दौरान हमने देखा कि मिल्की वे और कई दूसरे गैलेक्सीज का मैग्नेटिक फील्ड गैलेक्सी के अंदर मौजूद नेबुला क्लाउड्स पर ग्रेविटी के साथ या फिर अगेंस्ट फोर्स लगाते हुए स्टार्स के फॉर्मेशन को स्लो डाउन या फिर स्पीड अप करता है। सोफिया टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर काम कर रही एस्ट्रोनॉमर मैक्सिनर का कहना है कि सोफिया ने हमें ऐसा एक्चुअल डेटा प्रोवाइड किया है जिससे हम ये जान पाए कि स्टार्स फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल गैलेक्सी के मैग्नेटिक फील्ड का ही होता है, जो स्टार्स के फॉर्मेशन के दौरान नेबुला डस्ट क्लाउड्स के हायर डेंसिटी पर पहुंच जाने के बाद भी प्रोटो स्टार्स को और भी ज्यादा डस्ट क्लाउड्स फीड करते रहते हैं ताकि स्टार फॉर्मेशन पूरी तरीके से हो सके। सोफिया टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन के जरिए हम प्लूटो के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की प्रेजेंस को डिस्कवर कर पाए थे और हमने ये किया पैसिफिक ओशियन पर बनी प्लूटो के शैडो में सोफिया टेलीस्कोप को उड़ाकर। किसी स्टार के आगे से गुजरने वाले प्लैनेट की शैडो के दौरान आने वाली लाइट को कैप्चर करके उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड उसमें प्रेजेंस गैसेस के बारे में पता लगाने की प्रक्रिया को ट्रांजिट मेथड कहा जाता है। और ऐसा ही कुछ सोफिया टेलीस्कोप के जरिए साल 2015 में किया गया। तो देखो, साल 2015 में जब प्लूटो एक ब्राइट स्टार के आगे से गुजरने वाला था, तब पैसिफिक ओशियन वाले इलाके पर उससे बनने वाली शैडो को कैप्चर करने के लिए सोफिया को उड़ाया गया, जहां उसने उस पूरे इवेंट को ऑब्जर्व किया। और इस दौरान हमने प्लूटो की लाइट स्पेक्ट्रम में मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के ट्रेसेस देखे, जिन्हें बाद में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा कंफर्म भी किया गया था। डिस्कवरी ऑफ हीलियम हाइड्राइड द बिग बैंग पार्टिकल। अब दोस्तों, हीलियम हाइड्राइड बिग बैंग के बाद सबसे पहले बनने वाला मॉलिक्यूल था। वैसे यूजुअली आपने इस मॉलिक्यूल के बारे में कभी सुना नहीं होगा क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल्स यूनिवर्स में काफी रेयर है। बिग बैंग के कुछ समय बाद जब बिग बैंग से क्रिएट हुआ प्लाज्मा थोड़ा ठंडा हुआ, तब इससे एक के बाद एक यूनिवर्स में शुरुआती 3 एटम्स की फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। बट इस समय यूनिवर्स इतना ज्यादा गर्म था ना कि इससे किसी मॉलिक्यूल्स का बनना पॉसिबल ही नहीं था। पर फिर बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद यूनिवर्स के थोड़ा और ठंडा होने पर यूनिवर्स का सबसे पहला मॉलिक्यूल बना, जो कि था हीलियम हाइड्राइड। और आज से कुछ साल पहले तक ये मॉलिक्यूल्स केवल हमारी थियोरी के किताबों में ही था, पर साल 2019 में सोफिया टेलीस्कोप ने पहली बार इस मॉलिक्यूल को पृथ्वी से 3000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक प्लैनेटरी नेब्यूला में ढूंढ निकाला, जो कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी। अब आते हैं अपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि जब ये टेलीस्कोप इतना सक्सेसफुल था तो आखिर इसे केवल 12 साल की वर्किंग के बाद इतनी जल्दी रिटायर क्यों कर दिया गया? Why did the Sophia telescope retire? अब दोस्तों, 29 सितंबर 2022 अपनी 921वीं फ्लाइट के बाद सोफिया की आसमान में उड़ान को रोक दिया गया और 8 दिसंबर 2022 में नासा ने खुद ये अनाउंस किया कि अब सोफिया टेलीस्कोप को रिटायर कर दिया गया है और इसे प्रिजर्व करने के लिए अमेरिका की एरिजोना स्टेट के पीमा एयर स्पेस म्यूजियम में रखा जाएगा और तब से लेकर आज तक ये वहीं पर मौजूद है। अब नासा के मुताबिक सोफिया टेलीस्कोप को रिटायर करने का कारण इसकी हाईली ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट थी, क्योंकि इस पर होने वाले इन्वेस्टमेंट की तुलना में इससे काफी कम साइंटिफिक रिटर्न्स मिल रहे थे, क्योंकि जहां स्पेस टेलीस्कोप और यहां तक कि ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप
टेलीस्कोप भी लगातार 24/7 साइंस ऑब्जर्वेशन कर सकते थे, तो वहीं पर ये केवल वीकली 3-4 ऑब्जर्वेशनल फ्लाइट ही कर पाता था। अब कई रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे टेलीस्कोप की डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑब्जर्वेशन में होने वाला खर्चा इसे पूरे एस्ट्रोनॉमी हिस्ट्री का तीसरा सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव टेलीस्कोप बनाता है, ऑफ कोर्स हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप के बाद। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सोफिया टेलीस्कोप को इतनी जल्दी रिटायर करना एक सही फैसला था? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार कंजूसी मत करना, वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।